सीहोर में आपराधिक घटना और अपराधों को रोकने के लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। जहां अभियान में पुलिस ने स्कूल बसों की चेकिंग के साथ 30 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 15,000 रुपए के चालान काटे। आपको बता दें कि दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने निर्देश दिए, जहाँ बुधनी थाने के सामने नगर निरीक्षक विकास खींची और स्टाफ ने स्कूली वाहनों की सघनता से चेकिंग की। इस दौरान वाहनों में अधिक से अधिक संख्या में बच्चे पाए गए। वहीं चालक परिचालक बिना यूनिफॉर्म के दिखाई दिए, साथ ही अन्य कई खामियां भी पाई गईं, जिस पर 20 स्कूल बस और 10 स्कूल वैन पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने बच्चे परेशान न हो ये देखते हुए बसों को पहले स्कूल के लिए रवाना किया, बाद में चालानी कार्रवाई करते हुए 15,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई और बस संचालकों को समझाइश दी गई। इस दौरान नगर निरीक्षक विकास खींची ने बताया ये अभियान लगातार जारी रहेगा। स्कूल बस और स्कूल वैन है, उसमें ये देखा जाए, चेक किया जाए कि उसमें स्कूल में स्कूल बस में बच्चों को अच्छे से बिठा के रखा गया है कि नहीं रखा गया और उसमें नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। उसी के तारतम्य में आज दिनांक को हमारे द्वारा स्कूल बसों को चेक किया गया और उसमें जिन स्कूल बस एवं स्कूल वैन के द्वारा नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा उनके विरुद्ध विधिवत एक्शन लिया जाए।